हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी लेक्चर सीरीज शुरू किया है ऑन क्लास 10th सिविक्स, और जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए, क्योंकि यदि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फेडरलिज्म को समझने में बहुत ही ज्यादा आपको इजीनेस महसूस होगा। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट के साथ, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट वेट, लाइफ गोज फास्टर देन यू थिंक। इसका अर्थ ये है बच्चों कि इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जीवन आपके सोच से जल्दी चला जाता है, जीवन काफी छोटा है, और आप यदि प्रतिदिन परिश्रम करेंगे तो जरूर जीवन आपका सफल बनेगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए हम लोग देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका, उसके बाद पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ आज का डू यू नो सेक्शन, और आज के डू यू नो सेक्शन में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो एथनिक कंपोजिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो जो समाज का वर्गीकरण होता है धर्म के आधार पे, हमारे रीति रिवाजों के आधार पे, हमारे भाषाओं के आधार पे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एथनिक कंपोजिशन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो आप देखिए बच्चों कि बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वह 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है। उसके बाद देखिएगा बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में 2 ग्रुप्स मेन थे, वो 2 ग्रुप्स का नाम है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग लोग थे उनका पॉपुलेशन 59% था, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनका पॉपुलेशन 40% था, जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे उनका पॉपुलेशन 1% था, जो डच स्पीकिंग लोग थे वो कहाँ पे मेनली रहते थे, फ्लेमिश रीजन में, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो मेनली कहाँ रहते थे, वलोनिया रीजन में। ये जो डाटा ये मैं दिया हूँ बच्चों, ये रेस्ट ऑफ बेल्जियम का डाटा है। आइए अब हम लोग देखते हैं ब्रुसेल्स में कैसा पॉपुलेशन का कंडीशन था। तो आप देखिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, और ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग लोगों का पॉपुलेशन 20% था, और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का पॉपुलेशन 80% था। तो जो मैं डाटा अभी आपको बताया हूँ इसके आधार पे एक बार स्पष्ट हो जाता है कि डच स्पीकिंग लोग रेस्ट ऑफ बेल्जियम में मेजोरिटी में थे, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वह रेस्ट ऑफ बेल्जियम में माइनॉरिटी में थे। लेकिन ब्रुसेल्स की बात की जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में है और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में है। आप देखिए बच्चों कि बेल्जियम में अशांति का जो सबसे बड़ा कारण था वो था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में चलता आ रहा वर्षों से विवाद। अब ऐसा कहा जाता था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो काफी ज्यादा संपन्न थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, सामाजिक और आर्थिक स्थिति फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का काफी बेहतर था डच स्पीकिंग लोगों से, और इसीलिए जो डच स्पीकिंग लोग है वो जेलसी फील करते थे किनसे, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से, और इसका परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम में हमेशा शांति बना नहीं रहता था और अशांत माहौल था पूरे बेल्जियम में। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का क्या था। तो श्रीलंका में जो मेन 2 ग्रुप्स था वो था सिन्हला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग। सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन 74% था और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन 18% था। तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन 2 पार्ट में बटे हुए थे, कुछ थे श्रीलंकन तमिल्स और कुछ थे इंडियन तमिल्स। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों कि आखिर
श्रीलंका में तमिल स्पीकिंग लोग जो थे उनमें इंडियन तमिल्स कहां से आ गए? तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे इंडियन जो थे वो माइग्रेट करके श्रीलंका में गए थे काम की तलाश में, और वही लोग श्रीलंका में जाकर के बस गए, और उन्हीं को कहा जाता था इंडियन तमिल्स। जो रेस्ट 8% पॉपुलेशन था आपका श्रीलंका का, वो था मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का, और इन लोगों में कुछ लोग सिंहला स्पीकिंग भी थे और कुछ लोग तमिल स्पीकिंग लोग भी थे। तो आप देखिएगा जो श्रीलंका में विवाद था वो किसके बीच में था? सिंहला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग लोग के बीच में। अब जो एनसीईआरटी है वह बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल दे करके आपको बताना चाहता है कि बेल्जियम में जो समस्याएं थी उस समस्या को बेल्जियम की गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया पावर शेयरिंग करके, लेकिन श्रीलंका में गवर्नमेंट जो है उसने पावर को शेयर नहीं किया। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटीज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो सिंहला स्पीकिंग और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके बीच में विवाद इतना गहरा हो गया कि सिविल वॉर का कंडीशन इमर्ज हो गया श्रीलंका में, और श्रीलंका को इससे भारी नुकसान पहुंचा। तो ये सारा टॉपिक हम लोग फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो है एकोमोडेशन करके डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग के बीच में जो है शांति बनाया, और किस तरीके से जो विवाद था उसको सुलझाया गया कहां पे? बेल्जियम में। तो आप देखिए बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो एकोमोडेशन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट करना, एकोमोडेशन का अर्थ होता है एडजस्टमेंट करना। तो आप देखिए बच्चों कि जो जो स्टेप बेल्जियम की गवर्नमेंट ने लिया था उसी स्टेप को हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में एकोमोडेशन इन बेल्जियम। और ये स्टेप क्यों लिए गए थे? ये स्टेप इसलिए लिए गए थे क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनके बीच में विवाद को सुलझाना था। तो आप देखिएगा कि पहला स्टेप बेल्जियम में ये लिया गया कि जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पूरा जोर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी से। इसके लिए आप देखिएगा कि जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक दो बार नहीं बल्कि टोटल चार बार उसमें बदलाव लाए गए थे। फिर आप देखिए बच्चों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसके अलावा भी एक और गवर्नमेंट बेल्जियम बनाया गया और उसका नाम था स्टेट गवर्नमेंट। पावर को शेयर किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया था वो इंडिपेंडेंटली स्टेट गवर्नमेंट उस पावर का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा नहीं था कि जो स्टेट गवर्नमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होकर के काम करेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में नहीं बनाया गया था। इसके जगह पे स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पावर दिया गया था, और जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिला था उस पावर को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आजादी से जो है इस्तेमाल कर सकता था। फिर आप देखिए बच्चों कि ब्रुसेल्स के लिए एक अलग जो है गवर्नमेंट बनाया गया, और ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट बना उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं उनमें से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आए। फिर आप देखिएगा कि लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए लोकल लेवल में एक जो है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया बेल्जियम में जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो सेपरेटली बना था फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग के लिए, और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो देखेगा कल्चर से जुड़ा हुआ मैटर, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर और लैंग्वेज से जुड़ा हुआ मैटर। तो जो फैसला बेल्जियम की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इससे एक बात जो है स्पष्ट हो जाता है, और वो है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो है पावर शेयरिंग के ऊपर पूरा भरोसा
दिखाया और इस पावर शेयरिंग के वजह से जो वर्षों से विवाद चला रहा था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, उस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और बेल्जियम जो था उसमें जो है शांति आ गया और बेल्जियम जो है विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते चला गया। तो आप देखिएगा कि पावर शेयरिंग ही एक ऐसा हथियार था जो इस्तेमाल किया गया था बेल्जियम की गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पावर शेयरिंग से जो डच स्पीकिंग लोग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में मिलजुल करके रहने लगे और दोनों कम्युनिटी के लोग जो है मिल करके बेल्जियम का विकास आगे की ओर बढ़ाते चले। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा और अब समय आ गया है डू यू नो सेक्शन का। तो आज के डू यू नो सेक्शन में हम लोग जानेंगे नेटो के बारे में। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स कहाँ का कैपिटल है, अभी मैं बताया हूं ब्रुसेल्स कैपिटल है किसका, बेल्जियम का। आप देखिएगा कि नाटो जो है वो 30 कंट्रीज का एक समूह है और ये 30 कंट्रीज का जो समूह है वह विश्व शांति के लिए आतंकवाद से लड़ने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहती है और इसी उद्देश्य से नाटो का निर्माण किया गया है। चलिए अब बच्चों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस वीडियो से फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग सच इंटरेस्टिंग वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस।